सोलन के सुवाथू में गंबर नदी में डूबने से 13 वर्षीय बालक की मौत हो गई है। ये बालक महज 13 वर्ष का था और 8वीं कक्षा में पढ़ता था। ये बालक नदी में नहाने के लिए गया था, लेकिन जहां पर ये नहाने के लिए गया वहां पानी गहरा था और उसे तैरना भी नहीं आता था, जिसकी वजह से उसे संभलने का मौका नहीं मिला और वह नदी में डूब गया। पुलिस ने सबको कब्जे में ले लिया है और शव का पोस्टमार्टम करवाने के लिए सोलन के क्षेत्रीय अस्पताल भेज दिया गया है। अधिक जानकारी देते हुए ग्राम के उप प्रधान छवि लाल ने बताया कि मृतक शुभम गंबर नदी में नहाने के लिए गया था, जिसे तैरना नहीं आता था, जो गहरे पानी में उतर गया। जब वह थोड़ी देर तक ऊपर नहीं आया तो उसके साथ आए छोटे बच्चों ने शोर मचाया और अपने भाई को बुलाकर लाया, लेकिन जब उसे पानी से बाहर निकाला गया तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। गौरतलब है कि जहां यह बालक डूबा वहां नदी में किसानों ने खेत सींचने के लिए गहरे खड्डे किए थे और इन्हीं खड्डों में से एक खड्डे में डूबने से शुभम की मौत हो गई। अगर नदी में इस तरह से किसानों ने गहरे खड्डे किए हैं तो उनके आसपास सूचना पट लगाए जाने चाहिए, ताकि शुभम की तरह किसी और की जान ना जाए। तो ये बच्चे जो खेलते खेलते नीचे खड्डे की तरफ चले गए और वहां नहाने लगे। इनसे तैरना नहीं आता था बच्चों से। खड्डा थोड़ा बंदा सा बंधा हुआ था, हुआ खड्डा थोड़ा गहरा था, बच्चे से अचानक इसे तैरना नहीं आता था और ये बच्चा जो है पानी में डूब गया। तो दूसरे बच्चे देखा एक डेढ़ मिनट बाद भी ये बच्चा ऊपर क्यों नहीं आ रहा। तो जब नहीं आया तो वो बच्चा दौड़ के अपने बड़े भाई के पास गया, वो टमाटर तोड़ रहा था, उससे भी आने में थोड़ा समय लग गया। तो जब तक वो भाई उसका वहाँ पहुँचा तो ये बच्चा डेड हो चुका था, इसके अंदर पानी भर चुका था। उसने निकाला, उसको पंपिंग किया, उसको थोड़ा फर्स्ट एड के लिए स्पाटू कैंट हॉस्पिटल में ले गए, लेकिन डॉक्टर साहब ने इसको मृत घोषित कर दिया। बच्चा जो है इसकी उम्र 13 साल की थी और इसकी आज पहली छुट्टी थी, स्कूल से पहली छुट्टी हुई थी इसको। ये अपने मासी के बच्चे लेने के लिए गंबरपुर जा रहा था। इस बच्चे का नाम शुभम है और ये 8वीं क्लास में पढ़ता था और ये बहुत ही गरीब परिवार से है, BPL परिवार से संबंधित रखता है।